हेलो एवरीवन आज के वीडियो में हम लेवल वन के क्वेश्चन 91 वन टू हंड्रेड डिस्कस करेंगे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 91 91 में हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ करेक्ट इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल अपने पास दी गई है जिसमें कि एन प्लस जो होंगे वो ऑक्टाइटल वर्ड्स में जाएंगे और सी एल माइनस एफ का फॉर्मेशन करेगा तो हमारे पास यहाँ पर आप गौर से देखें तो ये जो लेंथ है ये लेंथ हमारे पास रेडियस ऑफ एन एन है और ये वाली हमारे पास सिंपल रेडियस ऑफ कैटाइन और ये लेंथ जो हो जाएगी वो हाफ़ ऑफ एज लेंथ ए बाई टू हो जाएगी तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन जो होगा वो ए बाई टू के बराबर होगा यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है नाइन्टी टू इन एन आइडियल क्लोजेस्ट रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर यानी एन एल स्ट्रक्चर जो कि पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ करेक्ट तो हमारे पास रेडियस ऑफ एन आइन का रिलेशन अपने को देखना है तो यहाँ पर आप गौर से देखें कि ये जो है ग्रीन कलर का ये हमारे पास एन आइन है तो एन आइन का आप फेस सेंटर के बेसिस पे देखें तो इस लाइन को यदि आप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये आर डिस्टेंस हो जाएगी ये आर प्लस आर टू आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा यानी रूट टू ए यहाँ पर एज लेंथ हमारे पास ए है फेस डाइगनल का लेंथ जो हो जाएगा वो रूट टू ए हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा ये फोर आर रेडियस ऑफ एनाइन के बराबर हो जाएगा तो रेडियस ऑफ एनाइन इजक्वल टू रूट टू अपॉन फोर ए जिसको आप लिख सकते हो ए अपॉन टू रूट टू तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है नाइंटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ करेक्ट इन केस ऑफ ए सीजियम क्लोराइड यूनिट सेल तो सीजियम क्लोराइड यूनिट सेल जो होती है वो एक बॉडी सेंटर टाइप का अरेंजमेंट होता है बॉडी सेंटर्ड में हमारे पास ये जो बॉडी सेंटर्ड वाला आइटम है ये इससे और इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो यानी बॉडी डायगनल डायरेक्टली कनेक्टेड होगा अब ये बॉडी डायगनल में हमारे पास लेंथ जो होती है वो रूट थ्री ए हो जाएगी यदि एज लेंथ हमारे पास ए है और ये तीन आइटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये हमारे पास फोर आर के बराबर हो जाएगा ठीक बट इसमें हमारे पास जो सी जी एम प्लस है जो हमारे पास वर्इ स्पेस है वो कैटाइन का है तो यहाँ पर ये सारे सारे सिमिलर होते तब ऐसा होता अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा सी जी एम प्लस की रेडियस यानी टू टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस टू टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एन ये बराबर होता है किसके रूट थ्री ए की तो इसलिए रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एन जो हो जाएगा वो हमारे पास रूट थ्री ए बाई टू तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है नाइन्टी फोर इन एन ए सी एल द सेंटर्स ऑफ टू नियरेस्ट लाइक चार्ज्ड आयंस आर प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस ऑफ तो हमारे पास एन ए सी एल का स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास रेड कलर के एन ए प्लस है तो इस पर आप गौर से देखें कि ये जो डिस्टेंस है ये ए बाई टू होगी और ये वाली डिस्टेंस भी हमारे पास ए बाई टू होगी तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इस तरह से आप हाइप पाइथोगस थियोरम यहाँ पर लगाएंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कैलकुलेट होकर आएगी हमारे पास ए बाई रूट टू तो इस तरह से अपन देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर इस ऑप्शन को आप गौर से देखें तो ये ऑप्शन इक्वल टू होगा ए अपन रूट टू तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है नाइन्टी इसे बोला गया इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल द नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ईच एन ए प्लस आयन इज तो एन ए प्लस आयन जो होता है वो ऑक्टाहाइड्रल वोइड में होता है एन एसल स्ट्रक्चर में जो कि बॉडी सेंटर्ड पे होता है तो अपन चेक करेंगे कि यहाँ पर कैसा अरेंजमेंट आएगा तो यहाँ पर आप देखिए कि यदि हमारे पास यहाँ पर एन ए प्लस जो है रेड कलर का बॉडी सेंटर्ड पे ये डायरेक्टली कितने एटम से कनेक्टेड है यदि अपन ए बाई टू डिस्टेंस चेक करते हैं तो, तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ पर इसको यदि अपन स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये यह वाला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सिक्स एटम्स जो होंगे सिक्स एटम्स जो होंगे वो हमारे पास नियरेस्ट होंगे नियरेस्ट सिक्स सी एल माइनस एटम्स ठीक है इसका मतलब हमारे पास सिंपल सा है और ये भी डिस्टेंस पे कितने पे? डिस्टेंस पे है ये ए ठीक है इसके बाद में आप इसी एन ए प्लस आयन के चारों तरफ यदि देखते हैं एन ए प्लस आयन तो यहाँ पर हमारे पास इस रेड कलर के पोर्शन पे आप देखें तो ये डिस्टेंस पे ये है उसके बाद में आप जाएंगे दूसरे रेडोट कंपार्टमेंट पर तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इनके बीच की इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी ए बाई टू ए बाई टू करते हुए यानी हमारे पास जैसे कि रेड कलर है इससे यहाँ पर दूसरा रेड कलर आ रहा है और यहाँ पर कनेक्टेड तो ये डिस्टेंस ए बाई टू थी ये डिस्टेंस ए बाई टू थी तो ये हमारे पास ए बाई रूट टू हो जाएगी तो ए बाई रूट टू डिस्टेंस पर कितने एटम्स होंगे वो अपने को यहाँ पर मार्क करने ठीक है तो अपन मार्क करें कि जो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है इसके ए बाई रूट टू डिस्टेंस पर हमारे पास चार एटम्स तो ये हो जाएंगे ठीक है सिमिलरली चार एटम्स ये वाले भी हो जाएंगे और इसी तरह से चार एटम्स ये वाले भी ए बाई रूट टू डिस्टेंस पर ही हो जाएंगे ठीक है इस तरह से हमारे पास टोटल ट्वेल्व एन ए प्लस इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है यानी ये नेक्स्ट नियरेस्ट हो जाएंगे तो यहां पर ये डिस्टेंस जो होगी जिस पर ये प्रेजेंट है वो जाएगा ए बाई रूट टू ठीक तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर होगा तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ट्वेल्व एन ई प्लस नियरेस्ट नेबर्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 इन्हें बोला गया इन एन द रेडियस ऑफ ए प्लस एन एक्स माइनस आर गिवन यानी रेडियस ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू वन पिकोमीटर अपॉन रेडियस ऑफ एक्स माइनस इज इक्वल टू टू पिकोमीटर वन बाई टू यानी जीरो पॉइंट फाइव अपने पास दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल ए एक्स विल बी तो अपने को यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो इस ऑब्जर्वेशन से अपने को क्या पता लगा है यदि रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एटाइन का जो रेशियो है वो 0.414 से 0.732 के बीच में आता है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे पास कैटाइन जो होगा गोज़ इन टू ऑक्टाहीड्रल और ओक्टाहीड्रल वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे पास कहाँ पे होते हैं बॉडी सेंटर पे प्लस एज सेंटर पे और बाकी जो एनायन होंगे वो एटलीस्ट कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे तो अपन यदि देख ले कि कॉर्नर पे यदि हमारे पास कोई एटम है और एज सेंटर पे तो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन ये जो हो जाएगा ये रिलेशन हो जाएगा ए बाई टू के बराबर हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से अपन यहाँ पर रिलेशन देख सकते हैं वन प्लस टू इजकल टू ए बाई टू तो एज लेंथ ए हमारे पास जो हो जाएगा वो यहाँ पर सिक्स हो जाएगा ठीक a ए यदि सिक्स हो चुका है तो वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा ए क्यूब यानी सिक्स का होल क्यूब तो हमारे पास इसको जब आप सॉल्व करोगे तो टू वन सिक्स पिकोमीटर का होल क्यूब आ जाएगा तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है नाइनटी सेवन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन नाइन इन फ्लोराइड सी ए एफ टू एंड एंटी फ्लोराइट एन ई टू ओ आर रेस्पेक्टिवली तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स में जस्ट रिवर्स हमारे पास ऑप्टेड होता है सी ए एफ टू में हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर एशो होगा वो एट इस टू फोर होगा और एन ई टू ओ में फोर इज टू एट होगा ठीक है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एन ए प्लस गोज़ इंटू टैट्रा वर्ड्स और यहाँ पर हमारे पास एफ माइनस गोज इंटू टैट्रा हेडल वर्ड्स ठीक है तो ये सिंपल डिफरेंस होता है और सी ए टू प्लस यहाँ पर एफ सी बनाएगा और यहाँ पर ओ टू माइनस एफ सी का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि सी ए एफ टू स्ट्रक्चर में आप ध्यान दें तो सी ए टू प्लस एफ सी सी लेटेस्ट बना रहा है और हमारे पास एफ माइनस जो है वो टेटराहेडल वर्ड्स में जा रहा है तो इस तरह से अपन यहाँ पर देखें कैल्शियम और फ्लोरीन का मोल रेशियो या मोल्स का देखें तो वन इज़ टू टू हो जाएगा और फ्लोरीन जो है टेट्राहेड्रल वर्ड टेट्राहेड्रल वर्ड होने की वजह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा फोर कि एक एफ माइनस के चारों तरफ हमारे पास सी ए टू प्लस कितने होंगे फोर होंगे तो यदि फ्लोरीन का अपन क्या रखते हैं फोर रखते हैं तो यहाँ पर सी ए का कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या होगा वो अपन निकाल सकते हैं किससे मोल रेशियो जो होता है उसका इन्वर्स होता है कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो तो हमारे पास मोल रेशियो यदि वन बाई टू है और यदि अपन कैल्शियम टू प्लस यहाँ पर रखते हैं यानी ये, ये रेशियो अपन ने रखा था वन बाई टू कैल्शियम टू प्लस अपॉन एफ माइनस ये वन बाई टू था तो इसका जस्ट उल्टा होगा हमारे पास फोर बाई वन आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो तो हमारे पास सिंपल कैल्शियम टू प्लस जो होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर एट यानी ये वन इस टू टू है तो ये टू इस टू वन होना चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम और फ्लोरीन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो है वो कितना है एट बाई फोर सिमिलरली एन ए टू स्ट्रक्चर में हमारे पास ओ टू माइनस जो होगा वो एफ सी सी में जाएगा और एन ए प्लस जो होगा वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स में जाएगा तो वहाँ पर हमारे पास रेशियो जो होगा एन ए और ऑक्सीजन का ये टू टू वन है तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो हमारे पास एन ए प्लस का फोर दिया हुआ है तो टू इज टू वन इसको रखना है तो इसका जस्ट रिवर्स यदि अपने को करना है वन टू तो टू तो यहाँ पर फोर इज टू एट हो जाएगा कोर्डिनेशन नंबर रेशियो मोल रेशियो का तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 98 एट सेलेक्ट द इन करेक्ट स्टेटमेंट इन ए सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल तो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर जो होता है वो बी सी सी टाइप का होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जिसमें सीजियम प्लस फॉर्म से सिंपल क्यूबिक लेटिस एंड सी एल माइनस फॉर्म से सिंपल क्यूबिक लेटिस ये भी सही बात है सी एल माइनस ऑकुपाइज बॉडी सेंटर ऑफ सी जी एम प्लस और सी जी प्लस ऑकुपाइज बॉडी सेंटर ऑफ सी एल माइनस ये भी सही है यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो जैसे कि हमारे पास इनिशियली हमारे पास यहाँ पर सी जी प्लस जो है वो बॉडी सेंटर्ड पे ठीक है तो बॉडी सेंटर्ड पे जब ये एटम है तो हमारे पास सारे के सारे जो सी एल माइनस है वो सिंपल क्यूबिक क्यूबिकलेटिस बना रहे हैं बट इस तरह के बॉडी सेंटर्स एटम्स यहाँ पर आप ले लो मल्टीपल्स और उनको कंबाइन करो तो वो भी हमारे पास सिंपल क्यूबिक लेटिस बनाएगा और उनके मिडिल में जो एक एटम आएगा वो हमारे पास किसका आएगा सी एल माइनस का तो सी एल माइनस भी हमारे पास बॉडी सेंटर पे हो सकता है यदि आप सी जी एम प्लस को कॉर्नर पे ले लें और सी जी एम प्लस बॉडी सेंटर पे हो सकता है यदि आप सी एल माइनस को कॉर्नर पे ले लें और दोनों ही इन दोनों प्रोसेस में सिंपल क्यूबिक लेटिस का फॉर्मेशन करेंगे अलग अलग कि यदि हमारे पास सी जी एम प्लस बॉडी सेंटर पर है तो सी एल माइनस सिंपल क्यूबिकुलेटर्स बनाएगा और सी एल माइनस यदि बॉडी सेंटर पर है तो सी जी एम प्लस इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं इस तरह के एटम से इसको आप यहाँ पर फ्रंट पे देखें इसी तरह से बैक वाला एटम वाला अरेंजमेंट भी होगा तो यहाँ पर मिडल में हमारे पास एक सी एल माइनस एज अ बॉडी सेंटर की तरह एक्ट करेगा तो यहाँ पर केवल इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो डी है ठीक है नेक्स्ट है नाइन्टी नाइन द रेडियस ऑफ ए डाई वेलेंट कटाइन ए टू प्लस इज नाइन्टी फोर पिकोमीटर एंड ऑफ डाइवेलेंट अनाइन इज़ वन फोटी सिक्स पिकोमीटर तो हमारे पास रेडियस ऑफ ए टू प्लस अपॉन रेडियस ऑफ बी टू माइनस इज इक्वल टू नाइन्टी फोर अपॉन वन फोर्टी सिक्स इसको आप जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो पॉइंट सिक्स फोर यानी रेडियस आर प्लस अपॉन आर माइनस जो है वो लाइक किस किसके बीच में कर रही है जीरो पॉइंट फोर वन फोर से जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू के बीच में ये चीज़ें लाई कर रही है इसका मतलब सिंपल सा है कि जो कैटन है वो किस में आ रहा है ऑक्टाहेड्रल वर्ड में आ रहा है ठीक ऑक्टाहेड्रल वर्ड में आने की वजह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो हमारा सिक्स हो जाएगा तो ये कैसा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है यहाँ पर हमारे पास रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का बनने का केस होता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स में टेट्राइडल वर्ड्स बनते हैं यहाँ पर बॉडी सेंटर में क्यूबिकल वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए एनिशियल टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर ओपटेंड होगा नेक्स्ट है हंड्रेड ए बाइनरी सॉलिड हैज ए रॉक सॉल्ट एनिशियल स्ट्रक्चर इफ़ द एज लेंथ इज फोर पिकोमीटर रेडियस ऑफ कैटाइन अपने को पता करनी है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में सी एल माइनस जो होता है वो एफ सी सी लेटिस का फॉर्मेशन करता है और एन ए प्लस जो होता है वो ऑक्टाइड्रल वर्ड्स में जाता है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि रेडियस ऑफ एन ए प्लस इज प्लस आर रेडियस ऑफ सी एल माइनस ये किसके बराबर होगा ए बाई टू के बराबर होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर यदि यह कॉर्नर पर एनआन है तो उसके जस्ट मिडिल में हमारे पास वॉइड स्पेस होगा तो इन दोनों की रेडियस का सम जो होगा वो एज लेंथ का हाफ हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर जो एज लेंथ दिखी फोर हंड्रेड पिकोमीटर है फोर हंड्रेड बाई और रेडियस ऑफ कटाइन जो दिया गया है वो एट्टी है रेडियस ऑफ एनाइन की बात पूछी गई है तो रेडियस ऑफ एनाइन जो हो जाएगा वो हमारे पास टू हंड्रेड माइनस एट्टी यानी वन ट्वेंटी पिकोमीटर हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर